हम चलते हैं जी, हमारे पास आता है प्रेपोजिशंस ऑफ वर्ब्स। प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब जो होता है, इसका क्या फंक्शन होता है कि इसने, इस प्रेपोजिशन ने वर्ब के ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, इसका ये फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब वर्ब एंड प्रेपोजिशन, यानी कि ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है। इसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, इसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। सम वर्ब्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रेपोजिशन टू बी यूज्ड आफ्टर देम इन अ सेंटेंस। The combination of such a verb and required preposition is called prepositional verb and phrasal verb. अब अगर हम यहाँ पे देखें कि waiting for, knocking at, listening to, ये इनके ये objects हैं, ये introduce करवा रही हैं, believe in God, ये objects हैं, तो इनका function object find करवाना होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये fever है, ये the poor है, the blackboard है, ये तो ये at, barking at, looking at, laughing at, suffering from, तो ये इनके जो object है जिनको वो introduce करवाती हैं। अब चंद examples हैं हमारे पास phrasal verb की, जैसे टेक है, टेक टेक ऑफ का मतलब है टू बिगिन फ्लाइट, टेक ओवर का मतलब होता है जी टू गेट कंट्रोल, टेक इन का मतलब है कॉम्प्रीहेंड समथिंग, टेक आउट का मतलब टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, फिर टेक आफ्टर का मतलब है टू रिजेंबल समबॉडी इन अपेयरेंस, टेक ऑन का मतलब है टू एक्सेप्ट जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक डाउन का मतलब टू राइट ऑन अ पेपर, और टेक अप का मतलब टू बिगिन अ न्यू हॉबी। तो इस तरह से जैसे जैसे आप देखें प्रेपोजिशंस लगती जाती हैं और इनके मीनिंग जो है वो चेंज होते जाते हैं, तो इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ये टेक के साथ था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमने पुट के साथ, जैसे टेक था एक पुट के साथ, पुट ऑन, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट थ्रू, पुट बाय, पुट ऑफ, पुट विद। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है वर्ड लुक है, लुक आउट, लुक ऑन, लुक इन, लुक फॉर, लुक अप, लुक बैक, लुक टू, लुक थ्रू, लुक आफ्टर, लुक राउंड, लुक फॉरवर्ड टू, लुक अहेड। तो ये अब मीनिंग और इसकी एग्जांपल गिवन है इसके साथ साथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जी रीड के साथ, रीड समथिंग बैक, टू रीड समथिंग अगेन, रीड ऑन का मतलब होता है टू रिसर्च, रीड फॉर का मतलब होता है टू स्टडी फॉर समथिंग, रीच ओवर और थ्रू का मीनिंग है टू रीड समथिंग क्विकली फॉर द बिग फ्रॉम द बिगेनिंग टू द एंड, रीड इन टू का मीनिंग है टू बिलीव दैट अ सिचुएशन हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट, और बिलीव ऑफ का मतलब क्या होता है टू रीड समथिंग अलाउड। तो इस तरह से रीड के साथ ये डिफरेंट मीनिंग बन रहे हैं जी। इसी तरह से ये ब्रेक के साथ आप देख सकते हैं, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, एक के ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं। जब ब्रेक डाउन फेल, टू सीज अ फंक्शन, ब्रेक डाउन डिके और ब्रेक डाउन डाइजेस्ट, तो ये एक के ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं। ब्रेक इवन, ब्रेक इन, ब्रेक इन टू, ब्रेक आउट और ब्रेक